सालों पहले एक गांव रत्नापुर में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था, जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाता था। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत सत्कार किया करता था। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता था। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। ये सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका, तो दर्जी को शरारत करने का दिल हुआ। उसने हाथी को केला देने के बाद अपने हाथ में सुई रख ली। जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंगाड़ते हुए करहाने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगा। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने अपने सूंड में कीचड़ भर लिया था। दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, बल्कि उसके दुकान के सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। इस सब से दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो किया था, उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भागकर गया। उसने हाथी से माफ़ी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था, उसका नतीजा यही होना चाहिए। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहाँ से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस दर्जी और हाथी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।